सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही पुराना खंडर में, और ये खंडर स्थित है हमारा बड़कागांव प्रखंड के मुढ़वा महादेव पहाड़ के जस्ट ही सामने। और गाइस, आज मैं वो खंडर दिखाने वाला हूँ जो काफी ज्यादा ही पुराना है, जो राजा हरदलेल सिंह, जो यहाँ पे पहले के जो राजा के जमाने में जो राज किए थे, उनके द्वारा बनाया गया ये खंडर बहुत ही पुराना है। और गाइस, इस पूजा खंडर के बारे में हम बताने वाले हैं कि आखिर ये खंडर इतना पुराना है, कैसे क्या चीज से बनाया गया है, और कितना बड़ा साइज में है, और यहाँ पे गाइस क्या खासियत है, उसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो पे आप लास्ट तक आज बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे छूटे ना। और गाइस, आप देख सकते हैं जो ये बालकोनी टाइप से बनाया गया ये खिड़की था, और इसका जो दीवार का साइज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इमेजिंग और कितना ज्यादा मोटा है, जो आज तक टूटा नहीं है। गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना खंडर है, और ये खंडर बुढ़वा महादेव में स्थित है, और इसके बीच में यहाँ ये, और गाइस ये रहा राजा रानी का सीमठ, ये ऊपर का गुंबद रहा जो टूट चुका है, और ऊपर देख सकते पेड़ लग गया है। गाइस, टूट के और पेड़ लग गया है, क्योंकि काफी ज्यादा ये पुराना हो चुका है, और यहाँ शिव मठ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजा रानी यहाँ पे पूजा वगैरह किया करते थे। आप देख सकते हैं ये बसाहा बैल का स्वरूप अंदर में बना हुआ है, लेकिन ढक गया था क्योंकि ये सब धीरे धीरे टूट रहा है, और टूटने की वजह से ये ढक गया था, लेकिन अभी ये इनको साफ सुथरा करके और इसको फिर से इनको निकाला गया है, आप देख सकते हैं। और अभी जस्ट हम खंडर से बाहर निकल रहे हैं, और गाइस ये रहा खंडर का बाहर का सीन, आप देख सकते हैं पूरा टूट चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और झाड़ पात भी बहुत ज्यादा लग गया है। और गाइस, अभी जस्ट हम लोग यहां से दूसरा पहाड़ में चलने वाले हैं, क्योंकि यहां पे ये तो खंडर देख लिए, और दूसरा पहाड़ में भी दो दो खंडर वहां बना हुआ है, एगो छगरे गोदरी नाम से, एगो दारू कोठरी नाम से, और वहां भी बहुत ही इमेजिंग चीज देखने को मिलेगा आपको, और वहां का वीडियो आपको भी पूरा इसमें देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक। गाइस, ये रहा दूर से इसका सीन रहा, जो काफी अभी इमेजिंग लग रहा है, बहुत ही पुराना है। और इधर गाइस आप देख सकते हैं कि बाउंड्री दिया गया था, इस महल को चारों तरफ से बाउंड्री दिया गया था, और बाउंड्री अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मजबूत बना हुआ है, ये सिर्फ पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर को रख रख के बनाया गया था, और ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से दूर तक पूरा इसको बाउंड्री किया गया था, पूरा अभी के रूप जिस तरीके से अब भी हम लोग घर बनाते हैं तो चारों तरफ से बाउंड्री वगैरह करते हैं, उसी तरह से इसमें भी गाइस बाउंड्री पूरा मस्त तरीके से किया गया था उस समय का जमाना। तो गाइस ये देख सकते हैं दूसरा साइड का इसका सीन रहा, आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा बनाया गया है, नीचे से पूरा मस्त बनाया गया है। और तो गाइस, अब भी अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे छूटे ना, और बेल आइकन को दबा कर रखो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे दुनिया घूम सकते हैं, पूरा दुनिया का जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। तो यार देर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, इसीलिए कह लो कि आप नहीं बनाएंगे फोटो वोटो, हाँ जो लेना है ले लो।
तो फाइनली गाइस पूरा अपने टीम के साथ हम पहुंच चुके हैं यहाँ छगरी गोदरेज जहाँ बोला जाता है। आप मेरे पीछे जो खंडर दिख रहा है उसमें अभी अंदर का सीन हम पूरा दिखाने वाले हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग को एक अलग भी वीडियो शूटिंग करना है। ये तो मेरा अपना ब्लॉगिंग रहा, और साथ ही साथ इसका अपना चैनल है कॉमेडी वीडियो का। अभी यहाँ पे हम लोग का हॉरर कॉमेडी वीडियो पूरा भयानक वाला और धांसू वाला शूटिंग होने वाला है। पनौती लड़का इसी का चैनल मतलब कुछ भी तो गाइस देरी नहीं करते हुए अभी अंदर का सीन हम दिखाते हैं, और तुरंत फिर हम लोग यहाँ मेकअप तेकअप करके और कॉमेडी वीडियो भी पूरा धांसू वाला भी शूटिंग करना है। तो वीडियो पे लगातार बने रहिए। आज हम वीडियो में बहुत स्मार्ट आ रहे थे, हमारे वीडियो में देखना मत भूलिएगा, कॉमेडी वीडियो को। बकैती लड़के का नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, जाइए यूट्यूब में सर्च करिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसका चैनल का, जाइए डिस्क्रिप्शन में वहां से क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गैस ये रहा फ्रंट का सीन, आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्थर को काट कर बनाया गया है, और अब भी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। काफी छोटा दरवाजा है लेकिन फिर भी गैस हम पहुंच गए हैं। और यार काफी ज्यादा इमेजिंग बनाया गया, आप देख सकते हैं पूरा आवाज गूंज रहा है। और ये बड़ा सा चट्टान था, उस चट्टान को काट कर और ये प्यारा सा गुफा बनाया गया है, और बीच में ये शिवलिंग जैसा बनाया गया है। यहाँ छगरी गोदरी कहा जाता है, यहाँ शायद पानी रखा जाता होगा पीने के लिए बकरी लोग को। और इधर खिड़की जैसा काटा गया था, और दरवाजा बहुत ही छोटा है, पूरा झुक के हम लोग को अंदर आना पड़ता है, पूरा आवाज भयानक गूंज रहा है। और अभी यहीं पे हम लोग को हॉरर मूवी शूटिंग होने वाला, तो गाइस वीडियो भी लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इमेजिंग और बहुत ही धांसू वाला होने वाला है, तो गाइस आज का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ करने वाले हैं हॉरर मूवी का शूटिंग, मतलब कॉमेडी वाला शूटिंग, पूरा धांसू तरीके से भी चलने वाला है। गाइस काफी ज्यादा गर्मी भी लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं, लेकिन गाइस हम आने वाले तो है नहीं, पूरा एनर्जी के साथ आज ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा खुशी भी मेरे को मिल रहा है, अपने दोस्तों के साथ आए हैं अभी यहाँ पूरा मस्ती कर रहे हैं। और गाइस ये अभी भूत का रोल करने जा रहा है, इसीलिए व्हाइट वाला साड़ी पहन रहा, और जो इसका मेकअप होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक अभी होने वाला है। तो आप वीडियो में लगातार बार बार बोल रहे बने रहिए यार। वो अलग गुफा था, वो था छगरी गोदरी, और ये रहा दारू कोठरी, और अभी हम दारू कोठरी दिखाने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त तो होता है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।